हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीवनी गार्डन से सरोज बोल रही हूँ। मेरे वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। आज मैं बताऊंगी जो मेरे पौधे में, मेरे क्या सभी के पौधे में इस टाइप की कीड़े लग जाते हैं। ये देखिए, ये सफ़ेद सफ़ेद कीड़े लग जाते हैं, इसको मिली बग बोलते हैं। इसको हटाने के लिए मैं सरल सा घरेलू उपाय बताऊंगी, जिससे आपके पौधे के ये कीड़े हट जाएंगे और पौधा आपको बहुत अच्छा से स्वस्थ हो जाएगा। और इसमें क्या खाद डालेंगे, जिससे पौधा में फूल आपका कलियां खूब भर कर आएंगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो में बने रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है जो काफ़ी तीखा है। मेरे घर का बनाया हुआ मिर्च का पाउडर है ये। इसको मैंने आधा चम्मच लिया है। ये देखिए, इस तरीके से आधा चम्मच से थोड़ा कमी है, इसको मैंने लिया है और इसको मैं बोतल में डालूंगी। ये मैं बोतल में इसको डालूंगी इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, और इसमें मैं अब पानी भरूंगी और इसी से मैं अपने पौधे पे छिड़काव करूंगी, ताकि ये पौधे के कीड़े हैं जो हट जाएं। छिड़काव करने से पहले दोस्तों, मैं इस पौधे की गुड़ाई करूंगी अच्छे से। इस तरीके से देखिए, मेरा ये पौधा काफ़ी पुराना हो गया है, जड़ें इसकी काफ़ी फैल गई हैं, लेकिन इसमें कलियां बहुत भर के आती हैं। इसको लगाना भी बहुत आसान है, आप इसके डंडी से ही पानी में ग्रो कर सकते हैं। उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। आज मैं आपको ये मिली बग हटाने के लिए बता रही हूँ, और पौधा कैसे अच्छे से ग्रो करेगा और खूब सारे फूल आए, इसके लिए क्या इसमें खाद डालना है, ये मैं बताऊंगी दोस्तों। पहले तो पौधे की खूब अच्छी से गुड़ाई करनी है इस तरीके से। देखिए, पौधे की जड़ें काफ़ी ऊपर आ गई हैं। अब जड़ अगर ऊपर है तो ये कटता है, तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। तो अब जड़ निकल जाएगा, ये इस तरीके से जड़ आप निकाल सकते हैं। ये तक कुछ जड़ निकाल देंगे तो आपके गमले में जगह अच्छी हो जाएगी और आप बीच बीच में खाद आप इसमें आप डाल सकेंगे। इस तरीके से मैं इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जड़ रहने से गमला पूरा भर जाता है और पौधे को ग्रो करने का जगह नहीं मिलता है। इसलिए आप जड़ बीच बीच में जब भी गुड़ाई करें, इसका जड़ को हटा दिया करें। इस तरीके से मैं गुड़ाई करती हूँ और जड़ थोड़ी जो कट जाते हैं उन सबको मैं हटा देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये सब जड़ है जो मैं निकाल दूंगी, ताकि पौधे में और जगह मिले, खाद बने और पौधे की जड़ फिर दोबारा नया बन करके निकल सके। इस तरीके, ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से देखिए कितनी सारी जड़ें ये मैंने निकाल दी है। अब इसके लिए मैंने खाद जो तैयार किया है उसको मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने सरसों की खली ली है, ये इस तरीके सरसों की खली है, इसको मैंने भिगा के रखा है। इसको 5 दिन, गर्मी का दिन है, 5 दिन से ज़्यादा नहीं भिगाइए, इसमें बहुत स्मेल आती है, 5 दिन काफ़ी है। और ये मैंने केले के छिलके को भिगा के रखा है इस तरीके से। अभी शाम का समय है दोस्तों, इसमें जो डाली हूँ खाद वो देखिए, ये मैंने ली है गोबर की खाद ये, क्योंकि मिट्टी थोड़ी हटाई है मैंने, जड़ थोड़ा हटाया है, इसलिए मैंने गोबर की खाद ली है इसको डालने के लिए। इस तरीके से अपने पौधे में आप गोबर की खाद डालिए। इस तरीके से मैं अपने पौधे में गोबर का खाद डालती हूँ, क्योंकि मैंने इसके जड़ को भी हटाया है तो इसको थोड़ी ताकत चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए। फिर इसमें देखिए, मैं ये सरसों की खली है जो भिगा के रखी थी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा ही डालूंगी। मतलब आपको
चार अंगुल का अगर सरसों की खली है तो उतना ही बहुत है, 5 दिन भिगा कर रखिए, एक पौधे के लिए बहुत काफ़ी है, वो ज़्यादा नहीं चाहिए आपको। इस तरीके से मैं ये सरसों की खली डालूँगी, ये 5 दिन भिगाया हुआ है। और ये मैं केले का जो बनाना पील बोलते हैं, इसको मैंने पानी में भिगा करके रखा था 5 दिन के लिए भी, ये भी मैं डाल रही हूँ पौधे में। इस तरीके से मैं पौधे में डालती हूँ, मेरा पौधा खूब अच्छा फूलों से भर जाता है। अब इसके आगे मैं ये बता रही हूँ कि आपको जो ये मिली बग लग जाती है, इसको हटाने के लिए घरेलू उपाय जो बता चुकी हूँ, उसको मैं पानी भरूंगी और उससे मैं इस पे स्प्रे करूंगी, ताकि ये जो वाइट कलर के लग जाते हैं इसको मैं हटा सकूं। ये देखिए दोस्तों, ये लाल मिर्च का पाउडर है जिसको पानी मैंने घोल दिया है। अब इसका मैं स्प्रे करूंगी इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से मैं ये लाल पाउडर के घोल का स्प्रे करूंगी, ताकि ये कीड़े आसानी से हट जाए। इस मिर्चे में काफी झाग आ रहा है दोस्तों, ये देखिए मैं छिड़काव कर रही हूँ।